Karl Marx as a political sociologist So in this session we are going to discuss the topic as Karl Marx as a political sociologist We all know that Karl Marx is a big name in the field of economics and specifically in for the believers or for the followers of communism Karl Marx is has a very important status in the field of not only in the field of academia but as well as in, in the field of uh, the practitioners of economy लेकिन यहाँ जो हमारे लिए important बात है वो ये है कि Karl Marx का status as political sociologist क्या है ये वो philosopher है जिसने society को economy को और politics को क्योंकि लिंक किया है और फिर किस तरह से लिंक किया है विद द स्पेसिफ़िक रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री तो इसी वजह से कार्ल मार्क्स का जो स्टेटस है एज़ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट उसमें कोई शक वाली बात नहीं रहती बिकॉज ही ही एक्चुअली डिस्क्राइब द डेवलपमेंट्स एंड द चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री जो शुरू से लेकर हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट्स हुई जो चेंजेस आती रहीं उसमें इम्पॉटेंट फैक्टर्स क्या थे जो इंसानी तारीख है अगर उसको समझा जाए या उसको देखा जाए तो हम ये बात वाज तौर पर कह भी सकते हैं और जानते भी हैं कि हिस्ट्री में भी जब जंगें भी हुई तो वो मफादात के लिए थी और मफादा की बेस क्या बनी वो रिसोर्स के लिए लड़ी गई अक्सर अवकात जंगें जो हैं वो अपने रिसोर्स में या तो एडअप के लिए लड़ी गईं या जब रिसोर्स कम रह गए तो उसमें इजाफ़े के लिए जंगों की जो तारीख़ है वो मिलती है हमें तो कार्ल मार्क्स का ये ख्याल है कि इंसानी मुशरे की जो तरक्की है जो डेवलपमेंट है मुख्तलफ मरा से जैसे जैसे माशरा गुजरता है उसमें बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें जो हैं वो शामिल होती चली जाती हैं लेकिन हर दौर के अंदर हर माशरे के अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक इम्पॉटेंट एलिमेंट के तौर पे रहा यानी हर दफ़ा तारीख़ में हमें ये नज़र आया कि किरे को उसके अंदर क्लास सिस्टम जो है वो मौजूद रहा उस क्लास सिस्टम की मुख्तलिफ तोजहत वक्त पर दी जाती रहीं और वो हमारे पास एविडेंसेस हैं आज भी और कार्ल मार्क्स ने भी इसी बात को बुनियाद बनाकर तारीख़ के साथ मुआरे का ताल्लुक जोड़ा लेकिन फिर उसके साथ साथ कार्ल मार्क्स की एक इंपॉर्टेंट फिलासफ़ी ये भी रही कि जहाँ हिस्ट्री का असर है माशरे की तरक्की पर तरवीज पर वहाँ उसके साथ साथ जो इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ एवरी सोसाइटी दैट एक्चुअली इंफ्लुंस द डेवलपमेंट ऑफ़ एनी काइंड सोसाइटी यानी माशरा तारीख़ के साथ जुड़ा हुआ है नो no डाउट लेकिन माशरे की जो तरक्की है मुशरा जो आगे बढ़ता है सोसाइटी तो जो आगे बढ़ती है वो डिपेंडेंट है ऑन इट्स इकनॉमिक सिचुएशन लेकिन इकनॉमिक सिचुएशन को मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर्स रूलर्स किस किस्म का पोलिटिकल सिस्टम सोसाइटी को स्टेट को देते हैं और वो किसके इंटरेस्ट को डिफेंड करता है असल में ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है जो कार्ल मार्क्स के हाथ से हमें मिलता है फिर कार्ल मार्क्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हाईलाइट की वो है कि रिलेशनशिप नेचर ऑफ़ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इकनॉमिक एंड पोलिटिकल रियालिटीज़ ऑफ लाइफ क्योंकि हर जगह की बहुत सी रियलिटीज़ होती हैं और उन रियलिटीज़ पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप अगर वो रियलिटीज एक्सप्लोर ना की जाए, तो नो वन कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी बिटवीन द स्टेट एंड देयर इकनॉमिक सिचुएशन सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एंड वाई ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी Because he has explained this nature of relationship in detail, and he has a strong command over uh, this uh, field of political sociology.